हेलो नमस्कार, दिस इज शेषराज एंड टुडे वी विल लर्न वन चैप्टर यूनिट नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज स्ट्रेंज टॉक फ्रॉम क्लास सेकेंड इंग्लिश मेरीगोल्ड। क्लास कक्षा जो दूसरी है उसमें इंग्लिश मेरीगोल्ड में एक चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है, छोटी सी पोएम है जिसका नाम है स्ट्रेंज टॉक नाम है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें जो एनिमल्स के जो हाउसेज हैं है ना, मेनली उनके रूप उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस पोएम का नाम है द स्ट्रेंज टॉक। सबसे पहले आइए जान लेते हैं हम समरी, उसके बाद में पोएम को पढ़ेंगे, न्यू वर्ड जानेंगे और ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट। ओके, सबसे पहले ये पोएम यूनिट नंबर 10 स्ट्रेंज टॉक। Enjoy this poem about our animals, animal friends. आइए सबसे पहले समरी जान लेते हैं, उसके बाद में इस पोएम को पढ़ेंगे। This poem gives us the knowledge about the names of home of different animals. It also tells us how the different animals talk. At last, poet left us with the question that if they all speak together, then they would not make any noise. ये जो दोबारा देखिए, this poem gives us the knowledge about the names of home of different animals. यानी ये जो कविता है, ये जो poem है, ये जो different जो animals हैं, जानवर जो हैं, उनके घरों के नाम के बारे में हमें information हमें प्रदान करती है। It also tells us how the different animals talk. और ये हमें ये भी बताती है ये कविता कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो कैसे आपस में बात करते हैं। एट लास्ट, और लास्ट में पोइट लेफ्ट अस विद द क्वेश्चन दैट इफ दे ऑल स्पीक टुगेदर देन दे वुड नॉट मेक एनी नॉइस। और अंत में जो है, ये जो पोइट है हमें हमसे एक प्रश्न करता है, हमसे एक क्वेश्चन करता है कि यदि जो सारे एनिमल्स हैं है ना, अगर एक साथ बोलने लगेंगे, एक साथ बातें करने लगेंगे, तो क्या वे शोर नहीं मचाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ में हमें लास्ट में कवि छोड़ता है। आइए सबसे पहले इस आपको समरी बता दी, एनिमल्स के हाउसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या बात करते हैं आपस में, कैसे बातें करते हैं। और ठीक है, अब आइए इस पोएम को पढ़ लेते हैं। पहले लीजिए। Enjoy this poem about our animal friends. Strange talk. A little green frog lived under a log. And every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. A duck lived by the waterside, and little did he lack. But when we asked how do you do, he only said quack, quack. A little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, wee, wee. Three pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant, may we go out? They said, bow wow, bow wow. If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? By L.E. Yeats. आइए अब जान लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स। Instead, I-N-S-T-E-A-D, instead, यानी के बजाय के अलावा, lack, L-A-C-K, lack का मतलब कमी किसी चीज़ की, missing, S-T-Y, sty, यानी home of pig, kennel, यानी house of dog, row, R-O-W, line होती है ना, M-E-A-N-T, meant, है ना, क्या मतलब इसका। और ये इसमें क्वेश्चन आंसर है। तो पोएम तो हमने पढ़ लिया, अभी इसका जो है ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पोएम को दोबारा हम स्टेंजा वाइज, वन स्टेंजा पढ़ेंगे, फिर उसका आपको ट्रांसलेशन, उसमें जो जो न्यू वर्ड्स आएंगे वो पढ़ेंगे। ये जो न्यू वर्ड्स थे ये बुक के थे, अभी लाइन वाइज हम जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे वो आपको बताते चलेंगे। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आएंगे, जो इन क्वेश्चन का हम लास्ट में आंसर जानेंगे। तो यहाँ पर ये हैं, टिक द करेक्ट वर्ड ऑल्सो। ओके, आइए पढ़ लेते हैं इस पोएम को। सबसे पहले, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर ए लॉग।
एक छोटा हरे रंग का एक मेंढक है, वो लोग के नीचे रहता है ना, लट्ठा जो है उसके नीचे रहता था। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और वह जब भी मुंह खोलता था, इंस्टीड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। वो गुड मॉर्निंग बोलने की जगह क्या बोलता था, हमेशा ट्र ट्र करता था, क्रॉक क्रॉक, जो फ्रॉग की आवाज़ होती है ना, मेंढक की आवाज़ होती है, क्या आवाज़ होती है उसकी, क्रॉक क्रॉक आवाज़ होती है, जिसको हिंदी में ट्र 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 ट्रना बोलते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा हरे रंग का एक मेंढक है, एक फ्रॉग है, जो कि एक लट्ठे के नीचे, एक लोग के नीचे रहता था, और वह जब भी मुँह खोलता था तो गुड मॉर्निंग, है ना, हिंदी में गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, सुप्रभात। तो गुड मॉर्निंग बोलने की जगह वो क्या बोलता था, केवल क्रो क्रो करता था, टर टराता था। अब इसमें क्या न्यू वर्ड्स हैं, पहला स्टेंजा था है, इसमें देखिए है फ्रॉग, है ना, फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब क्या है, मेंढक है जो पानी में रहता है ना, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, वो ज़मीन पे भी रहता है, ये ओके मेंढक हो गया। एलोजी लोग, लोग का मतलब है अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, लट्ठा। फिर INSTEAD इंस्टीड का मतलब है इन प्लेस ऑफ, यानी के स्थान पर, यानी गुड मॉर्निंग बोलने के स्थान पर वो क्या बोलता था, टर टर करता था, टर टराता था वो, ठीक है, क्रोक क्रोक करता था। तो ये पहला स्टेंजा हो गया मेंढक के बारे में। आइए नेक्स्ट, अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड, एक जल के समीप की भूमि पर क्या रहती थी, एक बतख रहती थी, पहला मेंढक के बारे में, दूसरा बतख के बारे में। एंड लिटिल डिड ही लैक, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, है ना, बट वेन वी आस्क्ड हाउ डू यू डू, किंतु जब भी हम उसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। ठीक है, अब एक जल के समीप की भूमि है जहाँ पे एक बतख रहती है, एक डक रहती है, उसे किसी चीज़ की कमी ना थी, लेकिन जब भी हम उसे पूछते थे कि तुम कैसी हो, हाउ डू यू डू, तो वो क्या बोलती थी हमेशा, केवल इतना कहती थी क्वैक क्वैक। तो डक की आवाज़ है यहाँ पे ना, क्वैक क्वैक। ओके, इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए, वाटर साइड आया है ना, बतख कहाँ पे रहती थी, वाटर साइड में रहती थी, यानी पानी के समीप वाली जो भूमि थी वहाँ पे रहती थी बतख। लैंड बाय द एज ऑफ वाटर, और दूसरा इसमें न्यू वर्ड आया लैक, LAC, लैक का मतलब है मिसिंग या कमी, मतलब उस बतख को किसी चीज़ की कमी ना थी, लेकिन वो जब भी हम उसको पूछते थे कि हाउ डू यू डू, आप कैसी हो, तो सिर्फ उसका एक ही जवाब होता था, क्वैक क्वैक, इतना ही बोलती थी वो। ओके, आइए उसके बाद में तीसरा, तो पहला मेंढक के बारे में, दूसरा एक डक के बारे में, और तीसरा जो स्टेंजा है वो है एक पिग के बारे में। अ लिटिल पिग लिव्ड इन ए स्टाई, एक छोटा सा जो सुअर है वो किस में, बाड़े में रहता था, स्टाई में रहता था, एज फैट एज ही कुड बी, जितना हो सकता था उतना वो मोटा था ना, फैट था। एंड व्हेन ही आस्क फॉर डिनर, और जब भी वह रात का खाना मांगता था, है ना, डिनर का मतलब रात का खाना, ही क्राइड अलाउड वी वी, जब भी वो रात का खाना मांगता था ना तो कैसे चीखता था, वी वी करता था। कौन सा इसमें न्यू वर्ड आया, स्टाई आया, स्टाई मतलब सुअर का बाड़ा, ये इसमें न्यू वर्ड आया है। तो लिटिल पिग लिव्ड इन स्टाई, एक छोटा सा सुअर जो है बाड़े में रहता था, एज फैट एज ही कुड बी, और जितना मोटा वो हो सकता था उतना मोटा था। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, और जब भी वह रात के खाने के लिए यानी डिनर के लिए जब भी वो पूछता था तो सिर्फ क्या बोलता था, कैसे चीखता था, वी वी करता था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आवाज़ भी दी गई उनकी। ओके, पहले में हमने पढ़ा मेंढक के बारे में कैसे क्रोक क्रोक की आवाज़ करता था वो, दूसरे में हमने डक की पढ़ी, तो डक की आवाज़ कैसी थी, क्वैक क्वैक की आवाज़ थी। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा है अभी पिग के बारे में, तो पिग कहाँ रहता है, स्टाई में रहता है, और उसकी कैसी आवाज़ थी, वी वी की आवाज़ थी। ठीक है, न्यू वर्ड इसमें आपको बता दिया, STY, स्टाई का मतलब है सुअर का बाड़ा, और FAT, फैट का मतलब मोटा हो गया, डिनर का मतलब रात का खाना, और वी वी जो है उसकी आवाज़ है। ओके, इस प्रकार से तीन स्टेंजा हो गए, थ्री स्टेंजाज हो गए, मेंढक हो गया, डक हो गया, और पिग हो गया। आइए अब फोर्थ स्टेंजा पढ़ते हैं। थ्री पप्स लिव्ड इन ए कैनल, तीन जो पप्पी थे, जो डोगी के बच्चे थे, वो कैनल में रहते थे, ठीक है, कुत्ता घर में। एंड लव टू मेक ए रो, वे पंक्ति में चलना, है ना, लाइन में चलना बहुत ही पसंद करते थे। ROW, रो का मतलब है लाइन। एंड व्हेन दे मीन्ट, और जब भी वे कहना चाहते,
मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जाएं। जब भी वे ये कहना चाहते कि क्या हम बाहर जाएं, तो वो क्या बोलते थे, दे सेड ओनली बो बो, है ना, भों भों करते थे वो, कुत्ता जो भोंकता है ना, बार्क करता है। तो थ्री पप्स लिव्ड इन ए कैनल, तीन जो पिल्ले थे, डोगी के बच्चे थे, वो कैनल में रहते थे, जो डोगी का हाउस होता है वहाँ रहते थे। और तीनों को लाइन में चलना ना बहुत पसंद था उनको, तीनों लाइन में चलते थे, रो में चलते थे। एंड व्हेन दे मीट, और जब भी उनको ये पूछना होता था, ये कहना होता था कि मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं, है ना, हम भी मान लीजिए क्लास में हैं, हमें टॉयलेट जाना है, तो हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही उनको जब भी बाहर जाना होता था, तो वो सिर्फ क्या बोलते थे, भों 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 करते थे, भोंकते थे। इसमें न्यू वर्ड क्या आया, पप आया। पप का मतलब है बेबी डॉग, पिल्ला, और कैनल का मतलब है यहाँ पे हाउस ऑफ डॉग। आइए अब जान लेते हैं फिफ्थ। If all these animals talked as much, यदि ये सारे जानवर छोटे बच्चे मतलब इतनी बहुत ज़्यादा बोलते, little girls and boys, यदि ये सारे जानवर छोटे boys girls की तरह अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, and all of them try to speak at once, और यदि वे सभी एक साथ बोलेंगे, wouldn't it make a noise, तो क्या वे शोर नहीं मचाएंगे। ठीक है, तो poetry last में हमसे question करके ये चैप्टर को, इस पोएम को कंप्लीट करता है कि यदि ये सारे जानवर छोटे बच्चे बच्चों की तरह अगर शोर बहुत ज़्यादा बोलते हैं और एक साथ अगर बोलने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो शोर नहीं मचाएंगे। एक साथ मान लीजिए कोई क्वैक क्वैक कर रहा है, कोई क्रोक क्रोक कर रहा है, कोई वी वी कर रहा है, कोई भों भों कर रहा है, ऐसे मान लीजिए सारे एक साथ में अगर बोलेंगे, बातें करेंगे आपस में, तो क्या शोर नहीं मचाएंगे, है ना, कैसी कैसी अलग अलग तरह की आवाज़ें आएंगी। तो ये कवि जो पोइट है, हमें लास्ट में इस प्रश्न के साथ में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें न्यू वर्ड आया नॉइज, नॉइज का मतलब है आवाज़, साउंड। ओके, इस प्रकार से था ये पोइम थी 5 स्टेंजाज की, जिसमें हमने मेंढक के बारे में, बतख के बारे में, पिग के बारे में और पप के बारे में ये पढ़ा। क्वेश्चन है, आर द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, तो सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, क्या जो फ्रॉग था वो क्वैक क्वैक बोलता था, तो बिल्कुल नहीं, वो क्वैक क्वैक नहीं, वो क्रोक क्रोक बोलता था ना फ्रॉग। फिर दूसरा है, अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, क्या पिग को लाइन में चलना पसंद था, तो ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइन में चलना किसको पसंद था, पप्पीज को, जो पप्स थे उनको, तो ये भी फॉल्स है। तीसरा है, अ डक ओनली सेड क्रोक क्रोक, एक जो बतख है वो केवल क्रोक क्रोक करता है, तो क्रोक क्रोक बिल्कुल नहीं करता। एक जो बतख है वो क्वैक क्वैक करता है, क्रोक क्रोक करता है फ्रॉग, तो ये भी गलत है। और चौथा है, अ पिग क्राइड अलाउड वी वी, एक पिग जो है वो ऐसे चीखता चिल्लाता है वी वी करके, तो ये बिल्कुल सही है, पिग जो है वो वी वी की उसकी आवाज होती है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यू आर वेरी टॉकेटिव, सीमा टॉक्स लाउड एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बोलता है ना। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, चलिए तो टॉकेटिव का मतलब होता है, फिफ्थ क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला एक नाई था, उसके बारे में वो चैप्टर है। तो टॉकेटिव का मतलब यहाँ पे है बातूनी, यानी बहुत ज़्यादा जो बातें करता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्स, विल कैन वॉट हाउ वेयर वेन, वॉट इज योर नेम, है ना, इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें कोई सेंटेंस बनाना है, वॉट का यूज़ करके, वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, है ना, आपसे पूछते हैं ना आप कितने बड़े हो गए, कितने साल के हो गए, आप बोलेंगे फिर आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। वेन डू यू प्ले, कब खेलते हैं आप, वेन, है ना, वॉट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैस, मतलब कितने, हाउ ओल्ड, है ना, कितने साल के हो गए, वेन का मतलब है कब, कब खेलते हैं आप, आपको टाइम बताना है। वेयर अगर पूछे तो आपको स्थान बताना, प्लेस का नाम बताना, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं आपके गांव का, शहर का, जो भी है नाम बताना है। ओके, उसके बाद में है, टिक द करेक्ट वर्ड, वी डिड नॉट शूट शाउट इन द क्लास, हम क्लास में
शूट नहीं करते हैं, शाउट नहीं करते, क्या आएगा इसमें? तो इसमें क्या आएगा? शाउट आएगा, हम क्लास में चिल्लाते नहीं हैं। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, या फिर VOTER, तो इसमें स्पेलिंग कौन सी है? WATER मतलब पानी। क्या आप, डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीना पसंद करते हैं? ओके। ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, उसने पेड़ पर चढ़ने की क्या की? टाइड का मतलब है थका हुआ ना, थक गया, और ट्राइड का मतलब है कोशिश की, तो यहाँ पे ट्राइड, उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो यहाँ पे प्लीज़ आएगा ना, PLEASE, प्लीज़। आई कैन सी विथ माई आइज़, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, SEE और SEA। SEA का मतलब होता है समुद्र, और SEE का मतलब होता है देखना, है ना? तो यहाँ पे आई कैन सी विथ माई आइज़, मैं मेरी आँखों से देख सकता हूँ, तो SEE आएगा यहाँ पे। फिर हमें एक सेंटेंस इज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों की सहायता से आपको सेंटेंस बनाना है। पहला इज है, ही इज़ अ बॉय, वह एक क्या है? लड़का है। अगर गर्ल की जगह आता, गर्ल आता, तो सी इज़ अ गर्ल। फिर आर है ना, ये प्लूरल के लिए आता है, तो आयशा एंड अनिशा आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। हैव, आई हैव टू पेंसिल्स, मेरे पास में दो पेंसिल्स हैं। He has a new toy car. Has यहाँ पे सिंगुलर के लिए और have plural. चलिए, have का मतलब देखिए दो मीनिंग में है इसका। Have का मतलब मेरे पास है ना, रखना, और ये अगर वैसे वर्ब में यूज होता है तो इसके साथ में थर्ड फॉर्म आती। तो I have two pencils, मेरे पास में दो पेंसिल हैं। He has a new toy car, उसके पास में एक नई जो खिलौने वाली कार है। We had pizza last evening, हमने लास्ट इवनिंग पिज़्ज़ा खाया। राइट 5 lines ऑन माई पैट, माई पैट के बारे में आपको 5 lines लिखनी है। आप किसी भी जो भी आपका पालतू है उसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉगी है, तो आई हैव अ पैट डॉग, हिज नेम इज शेंकी, ही इज सो हेल्दी एंड एक्टिव, ही लव्स मी वेरी मच, आई ऑफन प्ले विथ हिम, है ना। मेरे पास में जो पालतू डॉगी है उसका नाम शेंकी है, और ही इज़ सो हेल्दी, वो स्वस्थ है और एक्टिव है, है ना, रखवाली करता है वो। ही लव्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत पसंद करता है, ठीक है। आई ऑफन प्ले विद हिम, मैं उसके साथ में खेलता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉगी के बारे में, आपका जो भी पैट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही है, तो इन पिक्चरों को देखो, और जो टोकेटिव जो कछुआ है उसकी कहानी आपको बतानी है, ठीक है। ये पंचतंत्र की कहानी है, वो बताते हैं आपको, पिक्चर को देख लीजिए। ओके, अ टेल फ्रॉम पंचतंत्र, दिस स्टोरी इज अबाउट 3 friends, ये स्टोरी 3 दोस्तों के बारे में है। 2 birds एंड ए टॉर्टोइज, एक कछुआ है और 2 birds हैं। द टॉर्टोइज इज वेरी टोकेटिव, जो कछुआ था वो बहुत ही बातूनी था। They all are very good friends, वो सारे आपस में दोस्त थे, है ना, 2 birds और ये कछुआ। One day they all decided to go somewhere, उन्होंने एक दिन कहीं जाने का निश्चय किया। The tortoise moves very slow, बहुत धीरे चल रहा था। So they decided to take him with the help of wooden stick, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उसको लकड़ी के सहायता से, है ना, लकड़ी की सहायता से उसको ले जाया जाए। Tortoise held the stick in his mouth, उस कछुए ने लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ा। And birds carried the stick by holding it by both its end, और उन दोनों पक्षियों ने उस लकड़ी को पकड़ लिया। On the way the talkative tortoise suddenly opened his mouth to say something, he lost the grip and fell on the ground and finally died. The 2 birds became shocked. तो दोनों पक्षी उसको उड़ा के लेके जा रहे थे लकड़ी की सहायता से, कछुए ने मुंह से लकड़ी को पकड़ रहा था। रास्ते में जो मूर्ख कछुआ था उसने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, और जो ही मुंह खोला लकड़ी में से उसका छूट गया, लकड़ी छूट गई उसके मुंह से और वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर के मर गया। सो ये जो पिक्चर स्टोरी है ऊपर आपने देखी, इज द मैन टॉल और शॉर्ट, क्या ये आदमी है ये लंबा है कि छोटा है? तो टॉल है ना, ओके, ही इज टॉल, वह लंबा है। इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट, ये जो महिला है ये टॉल है कि शॉर्ट है? तो ये शॉर्ट है। Is the man, okay, ये हो गया, तो सी इज शॉर्ट,
महिला जो है वो छोटी है आदमी से। फिर आपको एक एलिफेंट की पिक्चर दिख रही है, चलिए इससे भी क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल, क्या ये हाथी बड़ा है कि छोटा है? तो इट इज बिग, है ना। इसके पास में एक और पिक्चर है, इज द माउस बिग और स्मॉल, क्या चूहा छोटा है कि बड़ा है? आंसर, इट इज स्मॉल। तो चूहा जो है, माउस जो है वो स्मॉल है और हाथी जो है वो बिग है। अब आपको एक पेड़ की घर की पिक्चर दिख रही है, आइए इससे भी क्वेश्चन बना लेते हैं। इज द ट्री ग्रीन और रेड, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये ग्रीन है कि रेड है? ओके, सो इट इज ग्रीन। इज द हाउस ग्रीन और रेड, ये घर, अब आपको यहाँ पे कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप पेड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रीन है, चलिए घर रेड है। अब एक वर्कशीट है छोटी सी, सिलेक्ट द करेक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, डैश इज योर नेम, तो ये बता दिया हमने व्हाट इज योर नेम। फिर बी है डैश बुक्स आर दीज, है ना, हुज बुक्स आर दीज, किसकी किताबें हैं, हुज आएगा इसमें डब्ल्यू एच ओ एस ई। फिर डैश आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, है ना, आपके शहर का नाम जो भी है। ओके, डैश आर यंग, डैश आर, ओके, डैश आर यू गोइंग टू अमेरिका, वेन आर यू गोइंग टू अमेरिका, आप अमेरिका में कब जा रहे हैं, अमेरिका कब जा रहे हैं आप, तो वेन आएगा यहाँ पे समय। फिर डैश कलर इज योर न्यू कार, है ना, ओके, तो व्हाट कलर इज योर न्यू कार, आपकी जो नई कार है उसका कलर क्या है। ओके, इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स दैट इज पास्ट टेंस, तो क्लाइम्ड ये पास्ट टेंस का है, सेइंग, है ना, थ्रो नहीं है, थ्रू, और ओके, उसके बाद में कोट है, ब्रोट है, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस प्रेजेंट टेंस, ओके, कैरोल डैश इज ए पीस ऑफ गम, प्रेजेंट बताना आपको, तो चूज है। फिर टीमी डैश ऑन द स्विंग सेट प्लेज, इसमें आएगा, ये प्रेजेंट टेंस है। मैरी डैश ओवर द बिग पाइल ऑफ लीव्स, यहाँ पे जंप्स आएगा। ससा डैश टू, ओके, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। मैक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इज से बनाना है, आर से बनाना है, हैव, हैज, हैड, तो हम बना चुके हैं पहले से ही। सर्कल द करेक्ट प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर ईच सेंटेंस, जेम्स रन्स, रन टू द प्लेग्राउंड, तो रन्स आएगा इसमें। द डॉग्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, शूज आएगा। द कार, माई टीचर प्लेज द पियानो, सर्कल, ठीक है, उसके बाद में द बैलून्स फ्लोट अप टू द स्काई, सूर्या एंड कार्ति ब्रिंग बैग्स टू स्कूल, द गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स व्हेन दे वॉक। इस प्रकार से वर्कशीट हो गई और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम था स्ट्रेंज टॉक। कैसे लगी आपको पोएम, जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ में। गुड बाय।